बीजेपी पार्षद विष्णु लाटा बागी हो गए हैं। विष्णु लाटा की ओर से उनके भाई ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि बीजेपी विष्णु लाटा को मनाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। बीजेपी नेताओं ने नगर निगम कार्यालय में डेरा डाल दिया है। अरुण चतुर्वेदी, सतीश पूनिया, मोहनलाल गुप्ता, अशोक लाहोटी नगर निगम में मौजूद है इस वक्त और लाटा के भाई महेश लाटा को समझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने आला कमान के निर्देश पर चुप्पी साध रखी है। तो विष्णु लाटा को लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है और अब तक सस्पेंस बरकरार है, आखिर जयपुर का मेयर कौन होगा। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हम जयपुर, हमारे संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, बगावत साफ तौर पर देखने को मिल रहा है मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी में, क्या कुछ अपडेट्स फिलहाल आपके पास? देखिए लक्ष्मी, अब तक की अगर अपडेट की बात करें तो महापौर पद को लेकर जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें दो लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। पहला बीजेपी की ओर से मनोज भारद्वाज ने नामांकन दाखिल किया है, दूसरा विष्णु लाटा ने नामांकन दाखिल किया है। विष्णु लाटा के सूत्रों की माने तो विष्णु लाटा अपना नामांकन वापस नहीं ले रहे हैं। विष्णु लाटा के जो भाई है महेश लाटा, लगातार उनसे बीजेपी के जो नेता है वो संपर्क में है, लगातार पिछले दो घंटे से संपर्क में है, लेकिन विष्णु लाटा मानने को तैयार नहीं है। सूत्रों का यह भी कहना है कि विष्णु लाटा अभी इस वक्त गोविंद देव जी जो मंदिर है गोविंद की शरण में मौजूद है, भगवान गोविंद का उन्होंने दर्शन किया है और उनके साथ प्रस्तावक और कुछ कांग्रेसी पार्षद मौजूद है। अब देखना यह होगा क्योंकि बहरहाल डेढ़ घंटे का कुल वक्त बचा है नामांकन वापस लेने के लिए। विष्णु लाटा नामांकन वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं, अगर विष्णु लाटा नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो बीजेपी के जो प्रत्याशी है मनोज भारद्वाज, उसकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। देखना यह होगा कि मनोज भारद्वाज को कितने वोट मिलते हैं कितने नहीं मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर नगर निगम के इस मुख्यालय के अंदर वोटिंग होनी है, पुलिस प्रशासन की यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। किसी भी तरीके से यहाँ पर जो वोटर है जो पार्षद है उन्हें बाधित नहीं होना पड़े, बेखौफ एक जो वोटर है जो पार्षद है वो वोटिंग कर सके, इसके ऊपर निर्वाचन जो विभाग है वो अपनी पूरी यहाँ पर तैयारी कर चुका है। लेकिन वहीं बीजेपी खेमे की अगर बात करें, जो बीजेपी के जो सूत्र है उनका ये कहना है कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है विष्णु लाटा को बनाने के लिए। आप समझना चाहेंगे, आप चुनाव को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या लगता है आपको, लाटा जी मानेंगे, वापस लौटेंगे अपनी बातों से, बीजेपी मना पाएगी लाटा जी को? देखिए रश्मि, अभी तक लगता नहीं है कि बीजेपी अभी तक विष्णु लाटा को मना पाई है। अब ये वक्त की नजाकत और वक्त को देखना होगा, समझना होगा कि क्या विष्णु लाटा को बीजेपी मना पाती है या नहीं मना पाती, क्योंकि बीजेपी ने अपने सारे हथकंडे यहाँ पर अपना लिए हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रही है, निगम का ये वो मुख्यालय है जिसके अंदर मीटिंगों का भी जो दौर चल रहा है, लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है विष्णु लाटा को मनाने की, लेकिन अभी तक विष्णु लाटा मानने को लेकर राजी नहीं हुए हैं। उन्होंने अपनी ताल ठोक रखी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पार्षद विष्णु लाटा को यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, जो निर्दलीय पार्षद है उन्होंने यहाँ पर सहयोग किया है, इसके अलावा कुछ बीजेपी के पार्षद भी उनके संपर्क में है। अब देखने वाली ये बात होगी कि कितने उनके पास उनके साथ